हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स वाई डी के में। दोस्तों, आज हम एक ब्लोअर रिपेयर करने वाले हैं। इसका ये फील्ड वाइंडिंग जो है जल गया है, तो इसमें अगर कोई भी समस्या आती है तो इसको स्टार्टिंग से चेक करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप पहली बार रिपेयर कर रहे हैं तो शुरू से चेक करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक कंटिन्यूटी टेस्टर ले लीजिए और इस वायर को यहाँ पर चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए ये स्विच में आया होगा और यहाँ पर फेस और न्यूट्रल दोनों जुड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, फेस और न्यूट्रल को यहाँ से कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर लेना है बारी बारी से। अगर वायर सही है तो स्विच चेक कर लेना है, और स्विच चेक करने के बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर जो ब्रश लगा होता है दोनों तरफ, इस ब्रश को चेंज करके देख लीजिए। अगर नहीं सही हो रहा है तब आप फील्ड वाइंडिंग को खोलिए। हमने ये फील्ड वाइंडिंग खोल लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो वायर है वो यहाँ से गल कर निकल गया है। ये वाला हमारा वाइंडिंग जल चुका है, तो इसी को हम रिवाइंड करने वाले हैं। ये रिवाइंड करने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसमें यही प्रॉब्लम है और सब वायर स्विच सब कुछ सही है, और ये इसका आर्मेचर है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, डायग्राम निकाल लिया है, हमारे यहाँ पर स्विच है लेकिन हमने स्विच का जो कनेक्शन है डायग्राम में नहीं दिखाया है। समझ लीजिए हमारा स्विच है, इसके बाद से एक ये वाइंडिंग है, ये वाली एक वाइंडिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से एक वायर इन हुआ है फेस, और यहाँ से जो न्यूट्रल निकलेगा वो हमारे ब्रश में चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से दूसरा भी वही है, एक तरफ से फेस आया है और दूसरे तरफ से वायर निकल के हमारे दूसरे तरफ वाले ब्रश में यहाँ पर चला जाएगा, जो ये ब्रश देख रहे हैं आप। तो इसका डायग्राम सेम है, देखिए न्यूट्रल पहले कॉइल में आया है, उसके बाद से इसका दूसरा छोर दूसरे ब्रश में चला गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं स्विच से होकर ये वायर पहले कॉइल में गया है, उसके बाद से दूसरी तरफ से निकल के ये दूसरे ब्रश में गया है, और यहाँ पे हमारा ये जो आर्मेचर है यहाँ पे ऐसे लग जाता है और सप्लाई देने के बाद ये चलता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम इसको इस कॉइल को काट करके और बताते हैं आपको कि ये एल्यूमिनियम वायर है या कॉपर वायर है, और कितना टर्न है, ये आपको टर्न भी बताएंगे, वो कैसे वाइंड होगा ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, पैंथर कंपनी का ब्लोअर है, अगर ये जो हमारा रेटिंग दिया हुआ है जिस पर ये वर्क करता है, अगर ये रेटिंग किसी भी कंपनी से आपका मिलता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसका वाइंडिंग भी सेम रहेगा, अगर मान लीजिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, जैसे 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। अगर आपका ब्लोअर 1.5 एम्पियर और 550 वाट का है और उसका आरपीएम 13000 है, मतलब एक मिनट में कितनी बार ये घूमता है, अगर ये आपको मिलता जुलता कहीं मिल रहा है किसी भी कंपनी का हो, तो यही वाइंडिंग से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसके फील्ड वाइंडिंग को। दोस्तों, लगभग दोनों कॉइल का टर्न सेम होगा, वायर तो सेम है, वायर का जो मोटाई है वो दोनों सेम है, लेकिन इसका जो टर्न होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। ट्राई कीजिए आप दोनों को काउंट कर लेने के लिए। दोस्तों, ये 30 नंबर का एल्यूमिनियम वायर है, इसका टर्न काउंट कर लेते हैं कि ये कितना टर्न है, उसके बाद से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमने दोनों कॉइल्स को काउंट कर लिया है, ये 250 टर्न का एक कॉइल है और दूसरा कॉइल भी 250 टर्न का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका SWG जो वायर का गेज है वो 30 नंबर का है, एल्यूमिनियम और कापर दोनों यूज कर सकते हैं। ये एल्यूमिनियम से बांधा गया है लेकिन मैं कापर यूज कर रहा हूँ, और दूसरा कॉइल भी वही है 30 SWG, एल्यूमिनियम कापर कोई से भी बना सकते हैं। और इसका जो कॉइल का लेंथ होगा गोलाई में, ये अभी 12 सेंटीमीटर का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर का है, मैंने इसमें 5 mm अपने तरफ से बढ़ा दिया है कि ये छोटा ना हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर का मैंने लेंथ यहाँ पे लिखा है, और ये गोलाई में ऐसे इसका टर्न बनेगा, गोलाई में इसका लंबाई जो है 12.5 सेंटीमीटर का है। दोस्तों, हमने एक वायर लेकर इसको 12.5 सेंटीमीटर पे इसको सांचा बना के टाइट कर लिया है अपने फर्मे को, अब इसको हम काट कर निकाल देंगे और इस होल से इस वायर को लेकर पीछे कहीं भी मोड़ देंगे। दोस्तों, हमने जहाँ से इसको नापा है वहीं पे इसका कॉइल बनाना है, आप किसी और खांचे में कॉइल ना बनाइएगा। अब इसको 250 टर्न हमें लपेटना है, 250 टर्न। ये 250 टर्न हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको धागे से दो जगह बांध लेंगे या टेप लगा लेंगे ताकि ये खोलते समय बिखरे ना।
कॉयल बनाकर कंप्लीट किया कर लिया है और इनके दोनों लूप को जला करके और इसको साफ कर लिया है। अब इसमें आपको 1 mm का स्लिप चारों वायर में डाल लेना है, ऐसे आपको स्लिप डाल लेने हैं। और ये रहे हमारे लूप वायर, इससे दोनों कॉयल के चारों लूप को बाहर निकालेंगे। दोस्तों इस चारों लूप वायर को सोल्डरिंग करके और उसके बाद से वो मोटा वाला स्लिप चढ़ा देना है और उसके बाद से हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है। अभी कॉयल में कुछ और भी काम है। दोस्तों आप दो तरह के पेपर लगा सकते हैं, ये ग्रीन शीट पेपर का टुकड़ा आता है एक, और एक वाइट शीट आता है, तो मैं वाइट शीट वाला लगा रहा हूँ। आपको दोनों तरफ जहाँ पर इस लोहे में ये फिट होगा कॉयल, वहाँ पर हमें इंसुलेशन करना होगा, नहीं तो ये कॉयल शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए इसको राउंड में ऐसे लपेट कर और दोनों तरफ टेप लगा लेना है आपको, दोनों कॉयल में, ठीक है, दोनों कॉयल में दोनों तरफ इस तरह से टेप लगा लेना है और ये दोनों हमारा लूप वायर ऐसे निकल जाएगा। तो चलिए इतना काम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद से आगे का प्रोसेस हम बताएंगे आपको। दोस्तों कॉयल कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और आपको इसमें कॉयल कैसे इंस्टॉल करना है मैं सिर्फ एक कॉयल इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद से आपको बाकी खुद ही इंस्टॉल करना है। जो हमने वाइट कलर का पेपर लगाया है वो पेपर यहाँ पे आके फंसना चाहिए, नहीं तो ये कॉयल को जला सकता है। इसको भी यहाँ पर लाकर फंसा देना है, उसके बाद से जो कॉयल अधिक होगा आपको दूसरी तरफ उसको ऐसे मोड़ देना है। ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, दूसरा कॉयल भी बिल्कुल इसी तरह से आपको सेट कर लेना है। दोस्तों इसमें दोनों कॉयल हमने सेट कर लिया है, अब आपको इसमें बार्निश लगा लेना है। चलिए अब इसको हम सेट करके दिखाते हैं कि ये कैसे सेट होगा, इसका कनेक्शन कैसे होगा। अभी थोड़ा सा इसको सूखने के लिए रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए। इन दोनों कॉयल के किन्हीं एक साइड को, दोनों वायर को हमें इस कार्बन बूस के दोनों पॉइंट में सोल्डरिंग करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों फील्ड वेल्डिंग के, ये दो कॉयल के दोनों वायर को हमने इस ब्रश, कार्बन ब्रश के दोनों पॉइंट से जोड़ दिया है। अब इसको हम उल्टा करके टाइट कर देंगे। जो मैंने बताया था कॉयल के दूसरे तरफ के दोनों वायर, छोटा वायर हमारा न्यूट्रल में यहाँ पे आके जुड़ गया है और उसके बाद से जो बड़ा वायर था वो स्विच में आके जुड़ गया है। अब यहाँ से हमारा जो मेन केबल है डायरेक्ट यहाँ से फेंस जाएगा और यहाँ से होकर स्विच से होकर इसमें फेंस जाएगा और ये डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल जाएगा। हम इसके ऊपर के इस हैंडल को पहले टाइट कर लेते हैं, उसके बाद से आगे हम जो करना होगा करेंगे। इसमें 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू लगा के आप टाइट कर लीजिए। दोस्तों आर्मेचर लगाने से पहले आपको ध्यान देना है कि आप ये कार्बन बुश निकाल लीजिएगा, नहीं तो लगाने में दिक्कत होगा। कार्बन बुश निकाल के और उसके बाद से आर्मेचर को अच्छी तरीके से इसे यहाँ पे बैठा लीजिए। दोस्तों उसके बाद हमें इसका ये ऊपर का कवर लगाना है, ध्यान रहे कि ये जो लॉक है वो यहाँ पर आना चाहिए। इसको ऐसे लगा के उस लॉक को नीचे देखते हुए और दबा देना है इसको, ये बैठ गया है। इसको मैलेट हैमर से थोड़ा सा चाहे तो आप ठोक सकते हैं ताकि ये बैठ जाए। ये बैठ गया है, इसका तीनों स्क्रू से टाइट कर लेना है यहाँ पे। दोस्तों अब इसका आपको बूस्ट लगा लेना है और लगा कर इसे टेस्ट करना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। इसका ये कैप है, कैप लगा के पीछे से इसको टाइट कर देना है। उसके बाद से दूसरे तरफ भी आपको कार्बन ब्रश लगा के इसे टाइट कर लेना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही हो चुका है, मेरा कनेक्शन तो बिल्कुल सही है और सही चल भी रहा है। लेकिन आपको एक ध्यान देना है, अगर आपके कनेक्शन में कोई दिक्कत होती है, मोटर हीट होता है, तो आपको क्रॉस कनेक्शन करना होगा। मैं आपको इस डायग्राम में ही बता देता हूं कि ये क्रॉस कनेक्शन कैसे होगा, आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए ये हमारा कॉयल, एक कॉयल है, इसका ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहले हमने यहाँ पे न्यूट्रल दिया था और इस पॉइंट को ले जाकर कार्बन ब्रश में जोड़ा था, लेकिन अब इसको उल्टा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस कनेक्शन को ले जाकर
यहाँ ब्रश में जोड़ देना है और इस करेक्शन में आपको न्यूट्रल जोड़ देना है। बस यही चेंज करना है, आपका जो स्पीड है और कॉइल का हीट है, स्टेटर का हीट है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही चेंज करना होगा। मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, मैंने आपको दिखा भी दिया था। अगर ऐसी दिक्कत आपके पास आती है जो मैंने बताया है, तो बस इसी कॉइल में चेंजिंग करना है बस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।